एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है मैगजीन शूट का, तो कुछ भी नया होता है. जब आप कुछ भी नया करते हो तो आप नर्वस तो होते ही हो, पर आप एक्साइटेड भी बहुत होते हो. और मैं तो वैसे भी हाइपर एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ. ओके, आपका ये डेब्यू फोटोशूट है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहेंगे कि कैसा रहा है? तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी जल्दी हो गया. मुझे लगता था कि काफ़ी टाइम लगता होगा, बट वैसा नहीं हुआ. हमने फटाफट सब कुछ किया और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया. आई एम डन विद द फोटोशूट ऑलरेडी, तो बस मैं बोल रही हूँ. इट वॉज क्वाइट क्विक एंड नाइस. ओके, किसके लिए आज फोटोशूट हो रहा है वो भी बता दीजिए, और कहाँ आपको देखने मिलेंगे आप? सो अभी आई एम शूटिंग फॉर दी वेडिंग मंत्रा, और आपको मैं वहीं देखने मिलूंगी उसी मैगजीन के कवर पेज पे. और इट्स बाय गरिमा सिन्हा, सो वी कैन हैव हर, शी इज़ हियर. ओके गरिमा, आशी के साथ आपका एसोसिएशन कैसा हुआ एंड हाउ वाज शी? बहुत अच्छा रहा है, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी और बहुत हम्बल है, सबसे अच्छी बात है. और हम लोग बहुत दिनों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली हमारा ये शूट हो गया, सबसे अच्छी बात है. और कवर पेज भी आप जल्दी देखेंगे, मई जून के कवर पेज में ही आने वाली है. तो इट्स कैन शी इज़ लुकिंग प्रीटी इन दिस येलो गाउन, एंड रियली शी इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस एक्चुअली. मैं इफ यू टॉक अबाउट द ज्वेलरी, अबाउट द ड्रेसेस, मेकअप, एवरीथिंग इज परफेक्ट. आज व्हेन यू सॉ योर कॉस्ट्यूम, व्हाट वाज योर रिएक्शन? I didn't see it. I just wore it actually, क्योंकि ना वहाँ पे शीशे नहीं थे और हम बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुए. और फिर मैं वॉशरूम में गई, आई जस्ट वोर इट और एंड आई वाज लाइक वाओ इट्स सो प्रिटी, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. फिटिंग्स नहीं थे जैसा उन्होंने बताया, कि हम काफ़ी टाइम से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ हो जाता था कि नहीं हो पाता था शूट. और आज भी हम श्योर नहीं थे शूट होगा, यानी रात को चीज़ें कन्फर्म हुई, तो फिटिंग का, ट्रायल का, किसी चीज़ का टाइम ही नहीं था. तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि सब ठीक होगा या नहीं, पर जब मैंने ड्रेस पहना एंड यू कैन सी द लुक, ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग वेरी गुड. ओके, लास्टली आशी, अलादीन का आपका लास्ट डे कल शूट था, काफ़ी इमोशनल रहा है फैंस के लिए भी, तो क्या कहना चाहेंगे? ट्रू इट वाज इमोशनल, क्योंकि लास्ट डे शूट था ऑफकोर्स. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शुरू से ऐसा लगता था जैसे मैं तो कभी अलादीन का पार्ट होने ही नहीं वाली थी. फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं उसका पार्ट हुई, तो आई वॉज मोर हैप्पी कि एटलीस्ट मैं उस शो का पार्ट बन पाई. बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी, बहुत प्यारी जर्नी रही है मेरी. बहुत ही कुछ, बहुत कुछ सीखा मैंने. बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई की, मतलब क्या क्या नहीं किया. और मतलब मुझे स्वॉर्ड पकड़ना नहीं आता था, और मैंने पूरे पूरे फाइट सीक्वेंस किए. फिर हार्नेस पे चलना, बहुत लगता था उसके वो जो नेल्स थे ना, मेरे पूरे हाथ पे स्क्रैचेस आ जाते थे, और वो ऐसे नोच रहा होता था एंड आई हैव टू लाइक स्माइल. मन नहीं करता था मेरा, बट या सो मेनी डिफिकल्ट थिंग्स. सो बहुत ही प्यारी मेमोरीज है मेरी उस शो से. इट वाज इमोशनल ट्रू, पर ठीक है, अच्छी चीज़ें भी खत्म होती हैं, एंड आई एम स्टिल ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.